हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम रोशन है और आप सभी का स्वागत है मेरे और आपके कुकिंग चैनल चटोरे रोशन डिशू पर। आज की जो रेसिपी है वो है मलाई बर्फी की, लेकिन ये कोई आम मलाई बर्फी नहीं है, बट ये आम मलाई बर्फी है। हाँ, ये मैंगो मलाई बर्फी आज हम लोग बनाने वाले हैं। बहुत इजी रेसिपी है, एकदम सिंपल तरीके से बनाएंगे। तीन चार चीजों से ये रेसिपी तैयार हो जाएगी, तो रेसिपी में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए बनाते हैं मैंगो मलाई बर्फी। तो सबसे पहले मैंने 1 लीटर दूध लिया है, गाय का दूध है, ये शुद्ध गाय का दूध है। इसे आपको एक बॉयल आने तक पकाना है, 1 लीटर दूध को एक बॉयल आने तक पकाना है, फिर इसे थोड़ा ठंडा कर लेंगे। 3 चम्मच मैंने विनेगर और उसमें 4 से 5 चम्मच मैंने पानी डाला है, ये आपको दूध में डाल देना है। आप इसकी जगह नींबू का रस भी डाल सकते हैं, 1 नींबू का रस। और ये देखिए, छेना और पानी अलग अलग हो चुके हैं। तो अब हमें क्या करना है, एक बाउल ले लेंगे, आप कुछ कोई सा भी बर्तन ले सकते हैं, उसके ऊपर एक साफ कॉटन का कपड़ा रख देना है। ये सारा हम जो चाशनी बोल रहा हूँ, छेना है, ये इस पर हम डाल देंगे और इसे हम थोड़ा सा निचोड़ लेंगे ताकि इसमें की जो स्मेल है ना विनेगर की वो खत्म हो जाए। और वो पानी हम फेंक देंगे या किसी आटा गूंदने वगैरह में यूज कर सकते हैं। फिर एक ठंडे पानी से एक बार हम इसे धो लेंगे ताकि जो विनेगर की खटास है, स्मेल है, वो चली जाए। और बस अब आपको कुछ नहीं करना है, अच्छे से इसको निचोड़ लेना है, जितना पानी आप निचोड़ सकें। और ये देखिए, हमारा एकदम छेना बन के तैयार हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये मैंने एक ले लिया है, एक मिक्सर जार का जो बर्तन आता है ना वो, इसमें हम 2 आम थे जिसे मैंने छील के छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिए हैं। ये केसर आम है, आप कोई से अभी मीठे आम का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हम मिक्सर जार में डाल देंगे और बस इसे आपको पीस लेना है, इसमें कोई चीनी वगैरह कुछ ऐड नहीं करनी है। और ये देखिए, इसका अच्छा सा पेस्ट बन के तैयार हो चुका है। अब बढ़ते हैं आगे और फिर से आपको 1 लीटर दूध लेना है। आपको मेजरमेंट समझ में आ गया होगा, 1 लीटर दूध का छेना और ये 1 लीटर। अब इसे आपको इतना उबालना है कि ये 300 ml बच जाए, मतलब 1 लीटर दूध 300 ml बच जाए। जब ये उबालते उबालते 300 ml हो जाए, तब हम इसमें ऐड कर देंगे ये जो हमने पनीर निकाला था ना छेना, वो आपको इसमें ऐड कर देना है। और अभी आपको गैस का फ्लेम है ना लो रखना है जब आप पनीर डालेंगे, और इसे कंटिन्यू चलाते रहना है जब तक कि मतलब पनीर और दूध एक दूसरे में घुल मिल ना जाए। तो कंटिन्यू चलाते हुए इसे पकाना है आपको। और ये देखिए, है ना, तो अब ये देखिए, ये गाढ़ा हो चुका है, मतलब दूध और पनीर एक साथ मिल चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे ये जो हमने मैंगो का पॉट बनाया था ना पेस्ट, वो डाल देंगे। और 100 ग्राम के लगभग आपको इसमें चीनी डाल देनी है। 100 ग्राम से ज़्यादा मत डालिएगा, 100 ग्राम इनफ होगा, बट टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अभी भी गैस का फ्लेम लो है क्योंकि हमने इसमें आम डाला है, तो अभी आपको फ्लेम लो रखना है और कंटिन्यू इसे चलाते रहना है। कलर के लिए हम थोड़ा सा इसमें येलो फूड कलर इस्तेमाल करेंगे, आपकी मर्जी है, आप डालना चाहें तो डालिए, बना देना। 1 चम्मच इसमें हम देसी घी डाल देंगे। और देसी घी डालने के बाद अब आपको इसे मीडियम फ्लेम पे पकाते रहना है, मतलब स्पून चलाते हुए। स्पून चलाना बहुत ज़रूरी है वरना ये जल जाएंगे। और ये देखिए, जब ऐसा थिक हो जाए, आप ये गौर से देख लीजिए, ऐसा थिक हो जाए गैस बंद कर देना है आपको। और कोई सा भी आपको बर्तन ले लेना है, स्क्वायर हो या गोल हो, उसमें आपको थोड़ा सा घी लगा देना है, मतलब कि ताकि वो नीचे चिपके ना। और ये जो हमारा मैंगो मलाई बर्फी है, ये सारा हम इसमें डाल देंगे जो बैटर हमने बनाया है मैंगो मलाई बर्फी का, और इसे थोड़ा सा सेट कर लेंगे। अब कुछ नहीं करना, इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देना है नॉर्मल टेम्परेचर पे, ठीक है। इसे हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे 1 घंटे तक लगभग। 1 घंटे के बाद हम इसके ऊपर ये पिस्ता कुछ डाल देंगे, ये टोटली चोचलेबाजी है, आप चाहें तो डालिए या मत डालिए। पिस्ते की चोचलेबाजी मैंने कर ली है, और इसको आपको पहले चारों कोनों से पहले थोड़ा सा इसके ऊपर चाकू चला लेना है, मतलब ताकि अलग हो जाए। और इसे आपको स्क्वायर शेप में कट कर लेना है, आप स्क्वायर आड़ा टेढ़ा जैसा मन करे आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेस्ट से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो मैं इसे स्क्वायर शेप में कट कर रहा हूँ, और ये देखिए हो चुका है, और ये देखिए निकल गया ना। और मैं आपको एक बात बता दूं, अगर ये बाहर इसका शेप नहीं आता है, मतलब ये ढीला रहता है, तो आप इसे थोड़ा फ्रिज में रख लीजिएगा ताकि अच्छी से कड़क हो जाए, ठीक है, अगर नहीं आता है तो। और ये बन के तैयार हो चुकी है हमारी मैंगो मलाई बर्फी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी वीडियो। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करके जाइएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।